अब ये पहले 1 किलो लेते थे, अब आधा किलो लिए हैं, 50 रुपए का। महंगाई ने कमर तोड़ रखा है, हर चीज़ पे पैसा बढ़ता है, गैस पे बढ़ता है, सब्ज़ी बढ़ता है, अनाज पे बढ़ता है, गेहूँ चाल चावल बढ़ता है, कौन चीज़ ऐसी है जो नहीं बढ़ रहा पैसा। टमाटर बेंगलोर से आ रहा है और गोभी नासिक से आ रही है, तो सब महंगी नहीं होगी, इतनी दूर से आएगी। हमारा तो मजबूरी है कि भाई कम होना चाहिए, कुछ रेट कम हो तो गरीब आदमी का गुजारा होना चाहिए। क्या कहेंगे बच्चा, जो होगा वही देखा जाएगा, गरीबी में क्या करें। आए दिन तमाम तरीके की खबरें चर्चा का विषय बनी होती है, चाहे वो बहराइच में हत्याकांड हो या किसी लड़की के साथ गैंग रेप हो, या कोई नेता किसी पे कमेंट कर दे, या किसी धर्म पे कोई बात हो। लेकिन जो मेन मुद्दा है, अहम मुद्दा है, वो है महंगाई का। कि क्या खूब कहा गया है कि सखी सैयां तो खूब कमात हैं, महंगाई डायन खाए जाता। महंगाई पर कोई बात नहीं करता, तरह तरह की धर्म पे टिप्पणियाँ और ये सारी राजनीति तो लोग कर लेते हैं सारे नेता, लेकिन महंगाई पर कोई बात नहीं करता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ कि सबसे महंगा कहा जाने वाला सेब है, लेकिन अब सेब के रेट में कुछ सब्जियां हैं जो बिक रही हैं, कि जैसे कि आपने सुना होगा रील पर कि आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, लाल टमाटर बड़े मज़ेदार। तो मैं आपको बता दूं कि ये टमाटरों का रेट अब हाई हो गया है, टमाटरों का रेट अब पारा छू रहा है, टमाटर अब 100 रुपए किलो हो गया है। सरकार क्या कर रही है मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन आम जनता इससे पीड़ित है, आम जनता परेशान है। अब मैं आम जनता से बात करूंगी, उनसे पूछूंगी और उनके साथ करेंगे उनकी समस्याओं का हल। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गुप्ता। गुप्ता जी बताइए, आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है। और टमाटरों की जो रेट हाई हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? 120 रुपए किलो है। 120 रुपए किलो है। आइए बात करते हैं और लोगों से और जानते हैं कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? क्या नाम है? ये बताइए कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम पर है, तो इस पे क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगे बच्चा, जो होगा वही देखा जाएगा, गरीबी में क्या करें। गरीबी में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ बहुत बढ़ गई है, और सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। क्या कर रही हो, महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ। तब महंगाई पर छोड़ के 4 बच्चे हो, क्या कमा के खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? मेहनत करें तो मुश्किल है, चोरी डकैती करें तो मुश्किल है, पुलिस से जीना हराम है, दुकान लगने नहीं पा रहे हैं, क्या करें हम लोग? क्या करती हैं आप? दुकान लगाते हैं रोड पे। दुकान लगाते हैं। हाँ। टमाटरों का रेट कितना हाई हो गया है? बहुत हो गया, 80 रुपया, 90 रुपया, 120 रुपए किलो। खरीद रही हैं आप? जी। खरीदना पड़ेगा जी। एक दादा सब्जी खरीद रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमाश्री नाम है। ये बताइए कि ये लगातार जो महंगाई चरम पे बढ़ती जा रही है, तो इसको इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, गुजारा तो है नहीं, तो खरीदना पड़ेगा खाने के लिए। हाँ। तो ये जो आप खरीद रहे हैं, इसका रेट मालूम है आपको? 100 रुपए बता रहे हैं। बताइए 100 रुपए, तो कितना खरीद रहे हैं? अब हम आधा किलो ले रहे हैं, 500 ग्राम गुइया खरीद रहे हैं। अच्छा, तो ये जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस पे सरकार कुछ नहीं कर रही है, इन सब पे क्या कहेंगे आप? मैम हमारा तो मजबूरी है कि भाई कम होना चाहिए, कुछ रेट कम हो तो गरीब आदमी का गुजारा होना चाहिए, नहीं कम होगा फिर भी थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा खाने के लिए, अब मजबूरी है हमारा। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी ये बताइए कि जो लगातार महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? आपने अभी ये टमाटर लिया है, ये कितने का लिया है? अब ये पहले 1 किलो लेते थे, अब आधा किलो लिए हैं, 50 रुपए का। ये 50 रुपए के 1 किलो आलू लिया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये लगातार ये जो बढ़ोतरी हो रही है महंगाई में, इसकी प्रमुख वजह क्या लग रही है आपको? अब क्या बताऊँ जो है प्रमुख वजह, सरकार किसे कुछ आप निवेदन नहीं करेंगे कि थोड़ा सा कम कराएं? अरे अब हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, जो है बस सही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। आनंद जी, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? महंगाई तो हर चीज़ हो रही है, दिन पे दिन हर चीज़ महंगा हो रहा है, तेल है, घी है, राशन है, सभी कुछ तो महंगा हो रहा है। तो ये जैसे सब महंगा हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो इसकी महंगाई की वजह क्या है? अब इसकी वजह तो सरकार बता सकती है, क्या वजह है क्या नहीं बता सकती है। सरकार को चाहिए इसको कंट्रोल करना चाहिए। इतना महंगा हो रहा है कि पहले भी था? नहीं, पहले तो इतना नहीं था, पहले नहीं था। इस सरकार में बहुत ज़्यादा महंगा है, सरकार की कमी है कहीं ना कहीं। ये सही बात है, सरकार की ही कमी है। अब महंगाई बाहर से सामान आएगा तो यहाँ महंगा नहीं होगा? कोई आलू टमाटर बेंगलोर से आ रहा है,
अब गोभी नासिक से आ रही है तो सब महंगी नहीं होगी इतनी दूर से आएगी। वजह क्या है? इसकी वजह तो कोई नहीं बता पाएगा। माल ज्यादा पैदा होता है तो कोई पूछता नहीं है। जब माल की पैदावार कम होती है तो रेट लाभ वाला बढ़ेगा, किराया भाड़ा बढ़ेगा, उस पर लगेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सब्जी वाले भैया बता रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा माल आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ही जब फसलें हो जाती हैं तब टमाटर भी मारा मारा फिरता है और प्याज भी, तब उसको कोई नहीं पूछता। आज वही टमाटर और प्याज जगह जगह गाड़ियां लगी हुई हैं, लोग वहां पर सस्ते दामों में खरीद रहे हैं। आज वही टमाटर का पारा 100 रुपये किलो चला गया है। तो महंगाई कहीं ना कहीं फसल के ऊपर भी डिपेंड करती है और जो हमारी आम जनता है उसने सरकार को दोषी ठहराया है। उसका उनका कहना है कि जो पुरानी सरकार थी उसमें महंगाई नहीं थी, जब से योगी बाबा की सरकार आई है, जब से मोदी जी सत्ता में बने हुए हैं, या कहें कि हमारे नरेंद्र मोदी पीएम जो सत्ता में बने हैं, तब से ये महंगाई आई है, वही इसको महंगा करवा रहे हैं, ऐसे जनता का कहना है। तो आइए बात करते हैं और लोगों से और देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ रखा है, हर चीज़ पे पैसा बढ़ता है, गैस पे बढ़ता है, सब्जी बढ़ता है, अनाज पे बढ़ता है, गेहूँ चाल चावल पे बढ़ता है, कौन चीज़ ऐसी है जो नहीं बढ़ रहा पैसा? कोई टमाटर, ये जो मटर आप बेच रहे हैं कितने की है? ये मटर जो है 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो। और जो ये चरम पे महंगाई है तो क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें सरकार जिम्मेदार है? अच्छा, इस हमारे जिम्मेदार, उसको अभी पता नहीं चलता कि हम क्या बेच रहे हैं क्या खा रहे हैं। वो तो खाली अपनी ये देखता है कि जीएसटी लगा ले, ये लगा दे, महंगाई बढ़ती रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दोनों तरफ, दाएं बाएं दोनों तरफ सब्जियों की बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर सब्जियाँ मुझे ताज़ी ताज़ी नज़र आ रही हैं। अब बात करते हैं दादा से और उनसे पूछेंगे कि सब्जियों के क्या रेट हैं, किस रेट में वो सब्जियाँ दे रहे हैं। बड़े व्यापारी से पूछिए कि तुम इतना महंगा क्यों देते हो, जो दुकानदार महंगा को बेचना पड़ता, आप उनको सस्ता करके दीजिए तो दुकानदार भी सस्ता बेचे। आप तो एक कांटे का 50 किलो तौल देते हैं और उसमें से हमारा 10 किलो 15 किलो कूड़ा फेंकने वाला निकलता है, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा है? अच्छा, ये अदरक के क्या क्या रेट है? अगर हमको अदरक खरीदनी है तो कितने रुपए किलो? अब अदरक ये 20 रुपये पाव बिक रही है यहाँ, और वहाँ 5 किलो तौल के मिलती है, उसमें से 1 किलो सड़ी दागी निकलती है, तो उस रेट में हम लोगों का घाटा होता है। लोग 10 पैसे की भी लेते हैं, 5 पैसे की भी लेते हैं। वहाँ हम लोगों को एक तराजू से 5 किलो तौल के मिलता है और वो ऐसा इलेक्ट्रिक कांटा है कि उसमें 5 ग्राम ज़्यादा नहीं देते हैं। अब यहाँ के जो छोटे दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि भैया हम तो छोटे हैं, आप बड़े दुकानों पे जाइए और वहाँ जाके बात करिए, क्योंकि वहाँ से हम थोक में सामान लाते हैं, उसके बाद यहाँ बेचते हैं। हम जितना सामान लाते हैं उसमें से आधा से ज़्यादा सामान हमारा, जो भी मतलब जो भी मटेरियल लाए हैं, बात कर लीजिए अदरक की, तो वो आधे से ज़्यादा अदरक ख़राब निकल जाती है। बात करेंगे और लोगों से और देखेंगे उनकी क्या राय। किसान जी, ये आलू कै रुपये किलो हैं? ये 35 रुपये किलो चल रहा है। 35 रुपये किलो चल रहा, तो ये बताइए कि जनता आ रही खरीदने कि नहीं आ रही? खरीदती है ना, आलू तो भैया बेसिक होता है, हर सब्जी के साथ चलता है। अच्छा, खरीदती है। अभी बताइए कि काहे इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है? ये नहीं बता पाएंगे काहे महंगाई बढ़ रही, लेकिन कम होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप दुकान लगाते हैं, पहले मेरी बात सुनिए, जैसे आप दुकान लगाते हैं लेकिन आप भी तो एक आम जनता है, आलू नहीं आप नहीं खरीद रहे, आपके घर का है, मान लीजिए मतलब खरीद के ला रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन और सामान तो आपको खरीदना पड़ता है ना, तो उस पर भी तो महंगाई है, सिर्फ सब्जियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो फिर और को हम क्या बता दें? तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना, उपाय उपाय चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं उपाय चाहिए, ये जनता करेगी उपाय तो होगा उपाय। हाँ, तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, आप भी जनता है। ये जो टमाटर आप खरीद रही हैं इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या बताएं, जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। कितने रुपए किलो खरीद रही हैं? 80 रुपए। 80 रुपए तो किलो भर खरीद रही हैं, आधा किलो? आधा किलो। आधा किलो खरीद रही हैं, आधा किलो में बताइए सिर्फ 4 टमाटर चढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो आप ये बताइए कि आपको सरकार से कुछ अपील नहीं करनी है कि इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं? आजकल के ज़माने में खाने वाले ज़्यादा हैं तो उस पर कुछ महंगाई कम करी जाए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। और कहाँ के रहने वाले हैं? सीतापुर। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो महंगाई चरम पे बढ़ती जा रही है, ये जो ये खड़ी हैं यहाँ पे, ये टमाटर खरीद रही हैं, और सोचिए कि इन्होंने टमाटर खरीदे हैं पाओ वो आधा किलो और सिर्फ 4 टमाटर चढ़े हैं, वो भी छोटे छोटे, तो इस पे सरकार को क्या करना चाहिए, कोई संज्ञान लेना चाहिए? महंगाई कम करना चाहिए। महंगाई कम करना चाहिए। अच्छा, और चलिए मान लीजिए कि सब्जियों पे महंगाई है, लेकिन और जो अन्य चीज़ें हैं,
दाल चावल है, इन सब चीज़ों पे जो महंगाई है, सिलेंडर जो महंगा होता जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? हमें ये लग रहा है सरकार को मतलब हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज़ सत्य। क्या कह रहे हैं? रोक लगना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा महेश नाम है। अच्छा महेश जी, बताइए कि आप बताइए क्या बता रहे हैं आप, सरकार को क्या करना चाहिए? रोक लगाना चाहिए, महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि कोई चीज़, जैसे मान लीजिए ये टमाटर है, तो उतना वो उस लिमिट में उगा ही नहीं इस बार, तो फिर वो कैसे उस रेट पे बेचेगी? अरे तो अब क्या इसके लिए क्या करा जाए? अगर कहीं ना कहीं इसको उगाने में कोई दिक्कत आई, कुछ हुआ, तो फिर उस रेट पे वो कैसे बेच सकती है? हाँ तो इसके लिए मुसीबत है ना। अभी देखिए एक आंटी कितना बढ़िया बढ़िया एकदम फ्रेश फ्रेश बैगन बेच रही है। ये आपका, आप लाई है ये बैगन? है उधर लाए वो। आप क्या नाम है आपका? ये बैगन जो है इतने फ्रेश फ्रेश आपके दिख रहे हैं, बढ़िया एकदम हरे ताजे, मतलब एकदम बैगनी बैगनी, तो ये लोग खरीद वरीद रहे हैं कि मतलब बिकते बिकते हैं? क्यों नहीं है, बिकते हैं। हाँ? क्या रेट है बैगन का? 40 किलो। 40 रुपए किलो, और जनता खूब खरीद रही है क्यों? अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि जो महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है, उसकी प्रमुख वजह आपको कुछ दिखती है क्या? आपकी दुकानदारी पर, आपकी दुकानदारी पर कोई असर आता है इससे? असर आ रहा है, असर आ रहा है महंगाई। चलिए तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात करी, काफ़ी लोगों का यह कहना है कि जो फसलें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत भूमिका निभाती हैं महंगाई पर, क्योंकि अगर ज़्यादा फसल होगी तो ज़्यादा सब्जियां हम उगा सकते हैं, ज़्यादा सब्जियां उत्पन्न होती हैं, और अगर कम फसल होती है तो चीज़ें कम आती हैं, उसके बाद उसकी महंगाई चरम पर छू जाती है, जैसा कि आप टमाटरों का रेट देख सकते हैं। तो ऐसे ही रियलिटी चेक्स प्रोग्राम के लिए बने रहिए कैमरामैन दीपक के साथ, मैं कनक मिश्रा, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।